एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल देखने वाले हैं इसमें, प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल। तो यहाँ पे फाइल ले रहे हैं, वेब पे आ रहे हैं, कॉमन साइज की फाइल ले रहे हैं। बहुत सी सिचुएशंस में कभी कभार हमें प्रोस्पेक्टिव में ड्राइंग क्रिएट करने होते हैं, है ना। नॉर्मली हम लोग इफेक्ट्स के अंदर जाके, 3D में जाके, एक्सट्रूड ऑप्शन को भी यूज करके अपने शेप को एक 3D शेप में बना सकते हैं, उसका वहाँ पे प्रोस्पेक्टिव मैनेज कर सकते हैं, ठीक। फिर नए वर्जन्स में इन्होंने एक बहुत इफेक्टिव टूल ऐड किया, टूल का नाम था प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल, ठीक। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर हमें पहले से ही बना बनाए क्या देता है, एक प्रोस्पेक्टिव देता है, है ना, जिसमें कई सारे हमें ग्रिड्स और उसमें कई सारे में क्या शो हो रहे हैं, पॉइंट्स शो हो रहे हैं, है ना। तो जूम करके देखते हैं, यहाँ पे ये ग्रिड की विजिबिलिटी जूमिंग पे चेंज होती है। देखो जब जूम करेंगे तो ग्रिड्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रिड नॉर्मल रखेंगे तो उसके वो अपने आप ग्रिड्स को क्या कर देता है, टैप्स कर देता है, हटा देता है, हाइड कर देता है, ताकि जब फाइल हैवी ना हो। तो यहाँ पे हमने कहा ये ग्रिड दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट जो प्रोस्पेक्टिव ओपन हुआ है ये 2-point प्रोस्पेक्टिव है, जिसमें हमें इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के 2 फेस नजर आते हुए दिख रहे हैं, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, ये ग्लोबल पॉइंट है, मीन्स कि अगर हमने इस पे क्लिक किया तो देखो पूरे पूरे प्रोस्पेक्टिव को हम शिफ्ट कर पाएंगे, जहाँ पे भी हमें उठा के रखना है। तो कॉर्नर के इस पॉइंट पे हम लोग बहुत आराम से पूरे प्रोस्पेक्टिव को कहीं पे भी उसकी पोजीशन उठा के रख सकते हैं। सेम पॉइंट यहाँ पे भी दे रखा है, इधर से भी हम इसको क्या करा सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं। ये हमारा दे रखा है होरिजन लाइन है, जिसपे हमारा क्या मिलता है, वैनिशिंग पॉइंट मिलता है, है ना, जिसके थ्रू एक व्यू क्रिएट होता है ना, और उसके थ्रू हमें फिर एक ज्योमेट्री में प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव नजर आता है। तो ये हॉरिजन लाइन हमेशा हाइट में ही चेंज होगी। देखो हॉरिजन चेंज किया तो व्यू में चेंज हुआ, क्योंकि उसका वैनिशिंग पॉइंट चेंज हुआ कहीं ना कहीं हाइट में, है ना। तो यहाँ पे हमें किस एंगल पे अपने शेप को देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना हॉरिजन लाइन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। फिर उस पर हमें क्या मिल रहे हैं, वैनिशिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनकी पोजिशन ये हॉरिजन लाइन पे ही रहेगी। ध्यान से देखो, हॉरिजन में लेफ्ट और राइट डायरेक्शन नहीं अवेलेबल है, मीन्स कि ये केवल हाइट में ही चेंज होता है, ठीक। और वैनिशिंग हमेशा हॉरिजन पे ही होता है, तो यानी वैनिशिंग को डायरेक्टली हाइट में चेंज नहीं कर सकते, वो केवल इस हॉरिजन लाइन पे ही क्या होगा, मूव हो सकता है। तो देखो उसमें केवल कौन सी डायरेक्शन दे रखी है, लेफ्ट और राइट की दे रखी है, यानी ये वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, इस हॉरिजन पे डिपेंडेंट है। हाइट तभी चेंज होगी जब हमारा हॉरिजन चेंज हो। अब देखो वैनिशिंग पॉइंट भी उसी हाइट पे चला गया, और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में चेंज करके देखो हम अपना यहाँ पे व्यू चेंज कर पा रहे हैं, कि हमें किस एरिया को ज्यादा हैवी फॉर्म में दिखाना है या किसको डाउन दिखाना है। वैनिशिंग हमने डिफरेंट कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे एंगल इसका डिफरेंट आता हुआ। तो हमने कहा डिपेंड करेगा कि हमारी बिल्डिंग या ग्राफिक्स किस तरीके से हमें व्यू हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टिव ग्रिड क्या करेंगे, सेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे भी लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट साइड का दे रखा है, यहाँ का भी चेंज कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बड़े इजी से पॉइंट है, आराम से चेंज करके हम अपनी ग्राफिक्स का व्यू चेंज कर पाएंगे। ग्रिड को हाइट करना है टॉप व्यू से, देखो यहाँ पे एडजस्ट कर। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ग्रिड हाइट हो गई तो प्रोस्पेक्टिव में ड्रॉइंग नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ग्रिड से बस हमें अलाइनमेंट का एक अच्छा आइडिया होता है, जैसे यहाँ पे ग्रिड नजर नहीं आ रही, लेकिन जब हम शेप से ग्रिड क्रिएट करें, शेप क्रिएट करेंगे तो वो इस प्रोस्पेक्टिव को फॉलो करेगा, ठीक। भले यहाँ पे ग्रिड हमें विजिबल नहीं हो रही है ना, तो ग्रिड से हमने कहा एक तरीके से उसको एज अ अलाइनमेंट हम लोग क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, है ना। इनके इन फेसेस को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने ये फेस लिया और बैक कर दिया, देखो। तो जो यहाँ पे कट हो रहा था वो क्रॉस कहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। शायद अभी हम आउटर एरिया बना रहे थे एक बिल्डिंग का, अगर हमने इसको पीछे शिफ्ट कर दिया तो देखो रूम की इनर इनसाइड वॉल जो होती है वो नजर आती हुई दिख रही है। तो डिपेंड, सबने कहा कि शेप कैसा है, ग्राफिक्स कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी ग्रिड को क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे थी ग्रिड वहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो ये ग्रिड के पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, ओवरऑल स्केलिंग करने का ऑप्शन दे रखा है, जो ग्रिड को क्या कर रहा है हमारे लिए, स्केल कर दे रहा है। शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ना, डिजाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस एक तरीके से अलाइनमेंट के लिए हमें कि ग्रिड कितनी पास है, कितनी डिस्टेंस पे चाहिए, तो यहाँ से ओवरऑल ग्रिड को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये ग्लोबली मूव कराने के लिए, ये हॉरिजन वैल्यू चेंज करने के लिए, वैनिशिंग्स पॉइंट लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के दे रखें, जिनको चेंज करके हम अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। अब हमें इस पे शेप क्रिएट करना है, शेप क्रिएट करने के लिए हम अपने नॉर्मल बेसिक शेप सारे खोल लेते हैं जो हमें इस पे चाहिए। अब हमें शेप क्रिएट करते समय ग्रिड को ये बताना होगा कि हम किस फेस पे वो शेप क्रिएट करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट या बॉटम पे अपना फेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बगल में क्यूब दे रखा है, देखो ऑप्शन है ना, इसमें इतने टाइम कौन सा फेस सेलेक्ट है हमारा, लेफ्ट है ना। तो जब हम कोई भी रेक्टेंगल शेप लेंगे, देखो उसी लेफ्ट डायरेक्शन के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ही वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली स्ट्रेट शेप नहीं बना, प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ही बना, जो ग्रिड हमने जैसी ले रखी थी इसमें जैसा फेस हमने क्या कर रखा था, डिफाइन कर रखा था।
हमें इस साइड फेस बनाना है डायरेक्टली, यहाँ पे आएंगे क्लिक करेंगे तो कोई अलग फेस सेलेक्ट हो गया हमारा, और अब जो फेस बनेगा वो थोड़ा सा कैसा बनेगा इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। अब अगर हमें इन शेप्स को मूव कराना है या स्केल कराना है तो डायरेक्टली नॉर्मल सिलेक्शन टूल नहीं लेंगे, उससे फिर उसका प्रोस्पेक्टिव मैच नहीं हो पाएगा। यानी अगर हमने सिलेक्शन टूल लिया देन हम प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव ग्रिड के ही अंदर दे रखा है प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, तो डायरेक्टली इस पे क्लिक करके देखो हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो देखो ये उसी प्रोस्पेक्टिव में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग उसके शेप के बिहेवियर में भी प्रोस्पेक्टिव में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। कंट्रोल जेड या डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको क्लिक करके स्केल कर सकते हैं, तो पॉइंट पे कॉर्नर पे आए हम बहुत आराम से इसको स्केल कर लेते हैं, तो वो प्रोस्पेक्टिव हमारा मैनेज रहेगा अगर हमने प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल ले रखा होगा। सिलेक्शन टूल लेकर अगर हमने इसको मूव कराने की कोशिश की तो प्रोस्पेक्टिव कंसीडर नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल शेप की तरीके से उसको क्या करा दे रहा है, मूव करा दे रहा है ना। तो हमें ध्यान रखना होगा जब हम प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल ले रहे होंगे, मान लो हमारा ये एरिया बन गया, ठीक। अब हमने फिर से यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लिया, यला फेस सेलेक्ट किया, कलर चेंज किया और हमने सी के ऊपर एक फिर से यहाँ पे फेस सेलेक्ट, तुरंत हमें क्या लेना है, सिलेक्शन टूल लेना है। ऑल्ट के साथ हमने देखो उसी प्रोस्पेक्टिव में क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी, कंट्रोल डी करके सिंपल हम उसकी क्या निकाल दे रहे हैं, सेम प्रोस्पेक्टिव में कॉपी निकालते चले जा रहे हैं। तो जो ये डिजाइनिंग हम देख रहे हैं बहुत ईजी वे में डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिव में बनती हुई दिख रही है और बहुत आराम से कंट्रोल में दिख रही है। शिफ्ट के साथ हमने फिर से क्या कर दिया है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से हमने ये फेस लिया और इस बार याला फेस डिफाइन कर दिया, एक विंडो का एरिया इधर और हैवी सा दे दिया। और बहुत सी सिचुएशन में कभी कभार हमें ड्राइंग जो है नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल पेज पे बनाते हैं वैसी बनाने पे हमें इजी पड़ती है, फिर हम उसको प्रोस्पेक्टिव में चेंज कर दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। हमने कहा कुछ ड्राइंग ऐसी होती है कि डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिव में जाके बनाएंगे देन हम प्रॉब्लम में आएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि उसको नॉर्मल जैसे पेज पे हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं वैसे ही बने। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे हमने ग्रिड ले रखा है, जो भी बनाएंगे वो इन्हीं तीन फेस में बनेगा, तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल टूल लिया और सबसे बैक वाला दे रखा है नो ग्रिड दे रखा है, नो एक्टिव ग्रिड मीन्स अब हमने जो शेप क्रिएट किया वो नॉर्मल तरीके से शेप किया, वो किसी प्रोस्पेक्टिव में नहीं बना है। सिलेक्शन टूल ने टॉप व्यू को हम यहाँ से डायरेक्टली राउंड कर दें, चाहे तो लाइन सेगमेंट्स ले लें। हमने कहा कि ड्राइंग यहाँ से बनाना इजी पड़ रहा है तो ये देखो ये डिजाइन हम यहीं से बनाते चले जा रहे हैं, दे दिया हमने एक और लाइन सेंटर पे ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन टूल ले लेते हैं, दे दिया। तो एक मान लो हमने डोर का डिजाइन यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, इस पूरे का सिलेक्शन लें और डायरेक्टली एक तरीका है कि ग्रुप कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप ना करें, क्या करें, विंडोज में जाएं और उसका क्या बना दें, सिंबल बना दें। तो जब भी प्रोस्पेक्टिव ग्रिड में काम कर रहे हैं सिंबल का ज्यादा यूज करें। पूरे शेप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल में, इसको ओके कर दो। अब जब सिंबल में कन्वर्ट हो जाए जिस भी इसको फेस मिले जाना है वो फेस सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे फिर से हम प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल में आ रहे हैं। हमने फेस अपना डिफाइन किया सिलेक्शन टूल लेके, उसको डायरेक्टली उसी फेस में ड्रैग करके ले। अब ये अगर डोर हम इस एंगल पे बना रहे होते तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने आराम से इजी वे में बनाया और डायरेक्टली उसको प्रोस्पेक्टिव में अपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। सिंबल क्यों बनाया है यहाँ पे, नॉर्मल ग्रुप करके भी यहाँ पे ऐसा हम कर सकते थे। तो सिंबल बनाने का मेन पर्पज क्या है कि अगर किसी ने बोला कि नहीं यार डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करना है, तो हमारे लिए ड्राइंग हमेशा कहाँ पे इजी पड़ी थी, नॉर्मल पेज पे इजी पड़ी थी। तो सिंबल बनाने का फायदा ये होगा कि जब हम इस सिंबल पे डबल क्लिक करेंगे ना, वो देखो फिर से फ्लैट हो जाए और हम फिर से अपने आराम से आके इस सिंबल को जो भी हमें एडिट करना है बहुत आराम से देखो सामने सामने से क्या कर पा रहे हैं, एडिट कर पा रहे हैं। इससे डिजाइन पे हमने कहा कि हमारे क्या रहेगी, कंट्रोलिंग करने के बाद जब हम बैक जाएंगे तो देखो वो एडिटिंग यहाँ पे भी हो चुकी है। ग्रुप करते तो ऐसा ना कर पाते है ना, उसमें फिर हमें अनग्रुप करना होता, फिर जाके अंदर उसी की चेंज कर रहे होते और उसी प्रोस्पेक्टिव में चेंज कर रहे होते, जबकि सिंबल से हमें फायदा क्या हुआ, इजी वे में गए और आराम से हमने उसको यहाँ पे जाके क्या कर दिया, एडिट कर दिया। अब बॉटम एरिया में एक बना लेते हैं, तो यहाँ पे पॉलीगन लिया और बॉटम एरिया लिया, इधर का बॉटम एरिया लिया, सिलेक्शन टूल तुरंत लें इसका, यहाँ पे बैक करें इसको जहाँ पे भी हमेशा, तो बहुत ईजी वे में यहाँ पे अपनी ड्राइंग को हमने कहा कि हम क्रिएट करते चले जा रहे हैं, इसमें प्रोस्पेक्टिव ग्राइंड। और जब हमें लगा कि यहाँ पे टेक्स्ट टूल भी ले लेते हैं, टेक्स्ट का एक बड़ा फायदा है कि टेक्स्ट को किसी में कोई भी हमने फेस ले रखा हो, जब हम टाइप करेंगे ना बाय डिफॉल्ट वो जैसे स्ट्रेट टाइप होता है नॉर्मल में वैसे ही टाइप हो रहा है। अब जिस फेस में हमें रखना होगा उस फेस पे हम चले जाएं यहाँ पे, तो सिलेक्शन टूल ने उस फेस पे आ जाएं यहाँ पे और बस टेक्स्ट को ड्रैग करें, अपने आप वो उसी फेस पे आता है। यहाँ से कोई भी यहाँ पे सिंबल का डिजाइन यूज कर सकते हैं, तो वेब आइकन ले लेते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक अरेंज क्या करें, ब्रिंग टू फ्रंट करें,
फिट एरिया कुछ भी दिखाना है डिजाइन करके ऐसा प्रोस्पेक्टिव में, बहुत आराम से हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे उसे। हमें प्रोस्पेक्टिव जब यूज कर लेंगे तो क्या करना है, यहाँ से क्रॉस कर देना, वो ग्रिड हमारी यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई। इन केस हमें फिर से चाहिए तो व्यू में जाएंगे, प्रोस्पेक्टिव में आएंगे और यहाँ से हम फिर से इसको क्या करेंगे, शो ग्रिड, तो वो फिर से शो। अदरवाइज हमने डायरेक्टली यहाँ से क्रॉस किया, सिलेक्शन टूल लिया, नॉर्मल लेते हैं तो ग्रिड हमने लिया फिर से यहाँ पे, जैसा भी हमें प्रोस्पेक्टिव चाहिए था वो एंगल हम यहाँ पे अपना मैनेजिंग ले रहे हैं, उसका हॉरिजन लाइन हमने सेट किया। इन वैल्यूज पे आने का एक शॉर्टकट रहेगा 1, 2, 3, देखो 1 से देखो लेफ्ट, 2 से बॉटम, 3 से हमारा क्या राइट फेस। हमने यहाँ पे बॉटम फेस ये लेफ्ट वाला ले लेते हैं और कलर पैनल ओपन कर लेते हैं, साइड एच एस बी सेट कर देते हैं, रेड फॉर्म लिया और थोड़ा सा ब्राइट किया। सिलेक्शन टूल लें इसी का, रेक्टेंगल टूल लिया, फेस हमने चेंज किया, सेम बॉर्डर हम यहाँ पे भी देंगे। थोड़ा सा इसकी डार्कनेस में क्या करें, चेंज करें ताकि शेडिंग का फर्क हमें दिखे। फिर से रेक्टेंगल टूल लिया, बॉटम एरिया लिया है ना, और दे दिया उसी को मैच कराते हुए। सिलेक्शन टूल लिया, कलर सीलिंग का चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर का एक फ्लोर नजर आता हुआ दिख रहा है, रेक्टेंगल टूल लेते हैं, याला फेस ले लेते हैं। अब इस बार हमें बैक पे वॉल क्रिएट करनी है। अगर हम ऐसा करने के लिए यहाँ पे लेंगे ये फेस, तो वॉल तो हमारी यहाँ पे बन रही है, लेकिन हमें ये कहाँ पे चाहिए थी, बैक साइड में चाहिए थी। समझ में आ रहा है, हमने सिलेक्शन टूल लिया, अब हम इसको पीछे करना चाहते हैं तो पीछे तो होनी नहीं ना, ये तो उसी प्रोस्पेक्टिव में क्या हो जानी है, इधर या इधर की तरफ मूव होनी है। और ये वॉल हमें कहाँ पे चाहिए, इस एरिया पे चाहिए। कंट्रोल एक तरीका ठीक था, हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट किया, दूसरा अगर हम डायरेक्टली यहीं पे बनाते हैं तो वो वॉल देखो हमारी यहाँ पे आती भी दिख रही है। तो एक सोल्यूशन मिला कि हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे भी क्या क्रिएट कर सकते थे, वॉल क्रिएट कर सकते, वहाँ पे डायरेक्टली देखो उसी प्रोस्पेक्टिव को कंसिडर करती हुई क्या बन रही है। और यहाँ पे हमने सिलेक्शन टूल लिया, कलर हमने फिर से यहाँ पे चेंज किया, लगभग ये कलर रेक्टेंगल शेप लिया और फिर से हमने उसी डायरेक्शन में क्या क्रिएट किया, इस लेवल पे हम वॉल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फेस चेंज किया अपना और इस बार जो है यहाँ से हम अपनी एक वॉल क्रिएट करना चाह रहे हैं, लगभग उस पीछे वाली वॉल को ध्यान में रखते। सिलेक्शन टूल लिया, कलर हम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, लाइट करें तो ज्यादा सही है, डिफरेंस नजर आए आ रहा है। तो एक कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे, वो कॉर्नर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हाइट तो हमें लग रहा है यहीं तक रखी जाए तो ज्यादा बेटर है, मैच कर रही है बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव से। और फिर से हमें इस फेस पे वॉल चाहिए तो सिचुएशन के लिए हम फिर से यहाँ पे शेप ले रहे हैं, ये वाला फेस लिया और जहाँ से हमें वॉल चाहिए वो एंगल हमने यहाँ पे फिर से क्या किया, क्रिएट कर दिया। सिलेक्शन टूल इसी का लिया, मैच करा दें, कलर में फिर से हमने यहाँ पे वेरिएशन रखा ताकि ये शेप हमें कैसा दिखे, आता जा रहा है। तो ऊपर का वो एक फ्लोरिंग एरिया दे दिया, नीचे फिर से हम यहाँ पे अपने सिंपल पार्टीशन से शेप क्रिएट कर रहे हैं। फिर से हमने रेक्टेंगल शेप लिया और यहाँ पे हम ये वाला फेस ले रहे हैं फिर से अपना और एक बॉर्डर दे रहे हैं। सिलेक्शन टूल लिया, इसे हमने फिर से क्या किया, चाहे तो एक बार फिर से रेक्टेंगल शेप लेके फेस ये वाला लेके हम इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग पीछे की शेप को क्या करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि पीछे की जो वॉल है वो हमारी थोड़ी सी कैसी है, थिक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इस वाले आउटपुट में हम क्या चेंज कर दें, एंगल यहाँ पे हाइट सेट करें ताकि उसी से बिल्कुल मैच होता हुआ दिखे प्रोस्पेक्ट, वैसे ही सेम हाइट हम यहाँ पे भी क्या करें। तो आराम से हम देखो एक बिल्डिंग की प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग इजी वे में क्रिएट करते चले जा रहे हैं। फिर से हमने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लिया और ये ऑलरेडी हमारा फेस सेलेक्टेड है, यहाँ पे हमने एक अलग से अपनी क्या क्रिएट करी, बॉल। सिलेक्शन टूल लिया, कलर में हम फिर से यहाँ पे वेरिएशन कर, सिलेक्शन टूल लेके इसको हम थोड़ा सा और क्या करें साइड, फिर से रेक्टेंगल टूल और फेस हमने वाला कौन सा दिया, दिस वन, और इस बार आके फिर से हम इसमें एक डेप्थ दे हाइट दे देते हैं, इस वाले शेप को अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं, कलर डार्क कर देते हैं। सिलेक्शन टूल, पहले आर्ट के साथ हम इसकी कॉपी निकाल दें, साइज में वेरिएशन कर दें और फिर आर्ट के साथ हम इसकी कॉपी निकाल दें। अगर हम इसी की पैरेलल कॉपी बैक साइड में चाह रहे हैं, एक तरीका कि हम फिर से नया शेप बनाएं, या हम इसी की पैरेलल कॉपी इधर निकालें, वरना ये इसी प्रोस्पेक्टिव में कॉपी निकलेगी। तो क्या प्रेस करेंगे, आर्ट और 5 पुट करेंगे, आर्ट के साथ न्यूमेरिकल 5 पुट करेंगे और जब हम कॉपी निकालेंगे ना, देखो उसी के पैरेलल में कॉपी हमारी क्या होती जा रही है, शेप होती जा रही है। अब ये शेप के साथ ये वाला शेप, सॉरी ये शेप लें, शिफ्ट के साथ ये लें, शिफ्ट के साथ ये लें, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, आ गया शेप, पिलर फॉर्म में बनता चला जाए। तो वॉल वही जो डेप्थ दिख रही है वो सेम डेप्थ हमें उधर भी आती हुई दिख रही है। तो और चाहे तो ब्राइट कर दें, ये लो भाई कॉम्बिनेशन ऐसा रख रहे हैं कि
देखिए वो ठीक से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, डोर देना है देन डोर दे सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल शेप लिया और फेस ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है जहाँ पे हमें डोर देना है, वहाँ पे डोर दे। हमें विंडोज पुट करानी है देन हम विंडो पुट करा सकते हैं। तो जैसा चाह रहे हैं वैसा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करते चले जा रहे हैं, किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टिव ग्रिड के। पैरेलल में हमने कहा कि कॉपी चाहिए, अभी हमने तरीका बताया कि ये लें क्या सिलेक्शन टूल ऑल्ट क्या प्रेस करना है 5। देखो पैरेलल में क्या निकाल दे रहा है कॉपी, अगर हमने कंट्रोल डी प्रेस किया तो पैरेलल में क्या निकालता चला जाएगा, तो पार्टीशन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बस हमें ऑर्डर वाइज अभी इनको क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा, तो ऐसे कुछ ब्लॉक टाइप में भी ये शेप हमारा बनता चला जाएगा। अगर हम बॉटम पे देना चाह रहे हैं तो हम बॉटम एरिया पे आ गए, सिलेक्शन टूल लिया हमने, कलरिंग हमने यहाँ पे कैसी कर दी ग्रे फॉर्म, फिर से हमने रेक्टेंगल शेप लिया, बॉटम एरिया हमारा सिलेक्टेड है, नीचे का वो फ्लोर एरिया हमारा छोटा हुआ दिखता है। चाहे तो थोड़ी देर के लिए ग्रिड हाइड करके देखें, तो कुछ ये प्रोस्पेक्टिव ड्रॉइंग हमारी बनती हुई दिख रही है।